जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी बोलती है इतना भारी बच्चा हमारे घर में आज तक नहीं हुआ। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्शी खान। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत खास होने वाला है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। मैंने पोस्ट किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा। वीडियो इज ऑल अबाउट माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, माई वेट लॉस जर्नी, माई हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो आज मैं आप सबके साथ सब शेयर करने वाली हूँ, बट एक पॉइंट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आई एम नॉट ए सर्टिफाइड डाइटिशियन। तो आप जो भी करो, आप किसी से पहले एडवाइस लो, देन इसको फॉलो करो। बाकी अगर कोई हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना चाहता है, जिसको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जरूर इसको फॉलो कर सकता है। तो हम अपने वीडियो पे चलते हैं। अब तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी बोलती है इतना भारी बच्चा हमारे घर में आज तक नहीं हुआ। तो मैं बचपन से ही थोड़ा सा चबी गोलू मोलू रही हूँ, जो मैं आज भी हूँ, बिकॉज दिस इज माई बॉडी स्ट्रक्चर, दिस इज माई टेक्स्चर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी बॉडी एक्सेप्ट करनी है। तो मैंने अपनी बॉडी कभी भी एक्सेप्ट नहीं की थी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग आई है कि आपको अपनी बॉडी से प्यार करना होता है। आपकी बॉडी कैसी भी हो, आपको कभी भी उसको ऐसे नहीं करना है, नो आई हेट दिस बॉडी, कभी नहीं। तो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना है, मैंने किया है। आई नो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, मेरा टाइप कैसा है, मेरा थोड़ा चबी, मैं हमेशा चाहे मैं स्मॉल साइज पहन रही हूँ, पर मेरे को अभी भी मैं गोलू गोलू टाइप्स लगती हूँ। तो ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो मेरा ठीक है, मैं हमेशा से थोड़ा हेल्दी रही हूँ दिखने में बचपन से। तो आफ्टर 10th क्लास मैंने वेट पुट ऑन करना स्टार्ट किया। तो मैं ऐसी थी, ऐसी और ऐसे हो गई। तो 10th के बाद में जब इंसान, जब बच्चा 14-15 साल का या छोटा सा होता है, और मैं उस टाइम दिखती थी 25-30, मुझे लोग पूछते थे आपकी एज क्या है, और मेरी मम्मी ऐसी थी कि तुम मुझे मम्मी मत बोला कर। मेरी मम्मी को मैं अपनी मम्मी की बड़ी बहन लगा करती थी। सिर्फ 10th-12th क्लास में मेरा ये हाल हो चुका था। तो बट ठीक था, स्कूल था, मेरे को कोई ऐसा नहीं था, पढ़ाई में लगी रहती थी, तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो आफ्टर 12th क्लास मैं कॉलेज में आई। तो कॉलेज में आने पर मैं गई गर्ल्स कॉलेज में, और मैंने देखा इतनी सुंदर लड़कियां, इतने अच्छे कपड़े, भाई मेरा मतलब मैं इतना, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था जो यहाँ आ चुका था। तब तक मुझे सिर्फ ये लगता था कि इंसान के लिए बस खाना होता है, खाओ। मैं इतना फूडी थी, जब मम्मी कहीं बाहर जाती थी तो हमारे किचन पे ताला लगा के जाती थी, और मतलब खाना बाहर रख के जाती थी, क्योंकि मैं ऐसी थी, मुझे कुकिंग का हमेशा से ऐसे थोड़ा कीड़ा रहा है। तो मैं क्या करती थी, घी भर भर के परांठे बनाती थी, पकोड़े बनाती थी। मम्मी को कहीं जाना होता था, मम्मी ताला लगा के जाती थी। मतलब ऐसे मम्मी ने कभी रोका नहीं है, बट यार ताला लगा के जाना, ये सब कुछ करना मम्मी ने किया है मेरे लिए, क्योंकि कंट्रोल में लाना था, मैं बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी। तो ठीक है, तो कॉलेज में आ गए, कॉलेज में भी मेरे लिए चलता था। मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे ही निकाला, बट हाँ ठीक है, मेरे मन में ये रहता था यार लड़कियाँ इतनी सुंदर है, इतने अच्छे कपड़े पहन रही है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा खुद को देखो, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन चला गया था। हम लोग कहीं पर भी आउटिंग जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, तो ऐसा होता था कि मेरे सारे दोस्त पहले पिक्चर्स लेते थे। मैं अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, मैं कॉर्नर में बैठी रहती थी, मैं सोचती थी इनका कब फोटो सेशन खत्म हो, कब जाएं, और दिमाग में ये भी रहता था कि मैं भी इनकी तरह सुंदर होती, मैं भी फिट होती, तो मैं भी आज फोटोग्राफ्स ले रही होती। तो ये सब दिमाग में चलता है ये। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। 2016 में मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो मैंने एक दो मंथ जैसे ही किया, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगे थे, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगे थे, मेरा वेट लॉस हो रहा था, मेरे इंचेस कम हो रहे थे, मेरे कपड़े ढीले हो रहे थे। तो मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई थी कि मैंने इस जर्नी को कभी नहीं रोका, मुझे इस जर्नी से प्यार होने लग गया। मुझे फिर ये नहीं दिख रहा था कि मुझे पतला होना है, मोटा होना है, नहीं, मेरा ये हेल्दी लाइफस्टाइल, मेरा लाइफस्टाइल बन चुका था, मुझे मतलब प्यार होने लग गया था। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मेरा वर्कआउट, वो तो मेरे जिम की जो ट्रेनर थी वो बताती थी, मैंने कोई पीटी नहीं लिया था, नॉर्मल जिम था, जो नॉर्मल सब करवाते हैं वही उन्होंने मेरे ऊपर किया। बट मेरा डाइट क्या था, मैं सुबह उठते ही एक ग्लास गर्म पानी लेती थी, और उसके बाद में नॉर्मल वाटर था वो कम से कम 1 से 2 या 3 ग्लास जितना हो सके मैं पानी पीती थी सबसे पहले मॉर्निंग में। देन मेरा ब्रेकफास्ट में मेरा फिक्स रहा है, मैंने फ्रूट्स खाए, और सबसे ज्यादा मैंने पपाया खाया है।
पपाया ये होता है कि आपकी स्किन को भी ग्लो करवाता है, आपका वेट लॉस जर्नी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैं कॉलेज में थी तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और ना मैं पीजी में रहती थी, ना मैं किचन में जा पाती थी, तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत कुछ किया है, नहीं, मैंने बहुत नॉर्मल वे में अपना वेट लॉस किया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है अंकिता, आप उससे कमेंट में भी पूछ लेना, वो जरूर बताएगी कि इसमें कोई झूठ नहीं है। ना मैंने कोई सप्लीमेंट्स लिए, ना मैंने कोई प्रोटीन लिया, नहीं, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सिंपल वे में मैंने अपना वेट लॉस किया था। एक पीजी में रह रहे थे, स्टूडेंट्स थे, तो इतना कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, तो मेरा नॉर्मल था, सुबह उठे, गर्म पानी पिया, देन ब्रेकफास्ट में पपाया खाया, देन जो पीजी में रहते थे जो आंटी बना देती थी जो भी कोई सब्जी होती थी, बट हाँ मैं दो रोटी खाती थी, मेरा फिक्स था, ना कोई सैलेड कुछ नहीं था भाई, अफोर्ड नहीं कर पा सकते थे। हाँ बट मैंने वर्कआउट बहुत अच्छे से किया, तो आपको यही करना है, तो मेरा यही होता था। देन मैं कॉलेज से आती थी तो कुछ भी, मतलब कुछ हेल्दी मिल जाता था, कुछ घर से बना हुआ, कुछ भी स्नैक्स में, पीनट्स आप ले सकते हो, चने ले सकते हो, तो मैं भी यही करती थी। और मैंने पूरा वर्कआउट मेरा इवनिंग में रहता था, मॉर्निंग में उठ भी नहीं पाते थे, कॉलेज होता था, देन इवनिंग में मेरा वर्कआउट होता था, तो मैं जाने से पहले हमेशा ग्रीन टी पी के जाती थी, या मैं अपने साथ एक बॉटल में भी कैरी करती थी जब मैं जिम जाती थी तो। और जिम में मेरा मतलब 1 to 2 hours रहता था, मुझे बहुत मजे आते थे जिम में, लिटरली बहुत मजे आते थे, इतना अच्छा, मतलब वहाँ का वाइब्स इतनी अच्छी होती है, जिम इज लाइक माई सेकेंड होम, जहाँ मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी होती थी तो बहुत ज़्यादा जिम करके आती थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी तो भी मैं बहुत ज़्यादा जिम करके आती थी, और मैं मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वर्कआउट करने लग जाती थी, तो ये था। तो देन ये सब कुछ हुआ, वर्कआउट हुआ, तो मैं जब आती थी, आते हुए रास्ते में या तो मुझे कभी बॉइल्ड एग मिल जाता था तो वो मैं खा लेती थी। डिनर में मैंने, ठीक है, मैंने बहुत, ये मेरी गलती थी या जो मुझे इसके बारे में समझ नहीं था, मैं चपाती बहुत रेयर खाती थी, मैं ज़्यादातर दलिया खाती थी नाइट में दाल के साथ में, तो दाल और दलिया लेती थी, मैं राइस नहीं खाती थी। बट इससे एक पॉजिटिव हुआ कि मेरे पीजी में सारी लड़कियां दलिया खाने लग गई, आंटी इतना खुश हो गई ना कि अब तो रोटियां ही नहीं बनाना पड़ता है, सब दलिया खा रहे, क्योंकि दलिया बहुत टेस्टी, पहले मैं कभी कभार कुकिंग कर लेती थी, फिर आंटी ने परमानेंट हमारे लिए दलिया बनाना स्टार्ट कर दिया, तो हम सब दलिया खाते थे, सबको दलिया की आदत हो गई थी। तो ये होता था मेरा कॉलेज में, यही रहा है, मैंने 2 साल तक ऐसे ही निकाला है, चाहे मैं वर्कआउट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। हाँ बट ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की है, मैंने खाते पीते कम किया है, बाहर हम आउटिंग पे जा रहे हैं, फ्रेंड्स होते थे, संडे आउटिंग्स होती थी, हमारे बर्थडे होते थे, पार्टीज होती थी, मैंने सब खाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने स्ट्रीट फूड बहुत खाया है, मैंने नॉनवेज रखा है, मैंने मतलब सारी पार्टीज, मैंने अपनी लाइफ इंजॉय की है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत स्ट्रिक्ट नेचुरल वे में अच्छे, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो कि आप सोसाइटी में नहीं रह रहे हो, आप सोशल नहीं हो, आप बिल्कुल बंद कर दोगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल करना भी नहीं है, बहुत ही गलत वे में जाता है वो, अगर आप ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे लग जाते हो, आप रोटी खाना बंद कर देते हो, आप राइस खाना बंद कर देते हो, आप सिर्फ ये कर रहे हो, वो सिर्फ एक ऐसा होता है कि आप कुछ ही ड्यूरेशन के लिए उस चीज़ को फॉलो कर पाते हो, वो एक लॉन्ग वे में बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है, ना आप उसको कभी फॉलो कर नहीं पाते हो। तो ये हो गया मेरा कॉलेज के बारे में। तो कॉलेज के बाद में जब मैं पास आउट हुई तो मैंने 1 साल ऐसे ही किसी पीजी वगैरह में रही थी, तो वहाँ मैं खुद कुकिंग करती थी, तो वहाँ पे भी मेरा नॉर्मल था कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई फ्रूट खा रही हूँ, मेरा फ्रूट ब्रेकफास्ट में हमेशा फिक्स रहा है, अंडे खा लिए, रोटी खा ली, यही था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, कीटो डाइट फॉलो कर रही हूँ, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ, नहीं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो वही सिंपल इंडियन देसी फूड खा के, मतलब देसी वे में, जो घर पे रह के, जो लोग पूछते रहते हैं कि हम घर पे रह रहे हैं ये नहीं खा पा रहे, वो नहीं खा रहे, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बहुत ही सिंपल वे में था। तो एक चीज़ और है कि मेरा, मैंने जिम के बारे में है, तो जिम मेरा कभी भी, मैंने ऐसा नहीं है कि जो 2016 में स्टार्ट किया और आज की डेट तक मैं हमेशा, नहीं, मेरा टुकड़ों में ज्वाइन होता पाया, मैंने बस कॉलेज में किया था, उसके बाद में मैंने 2 to 3 months जब मैं इंफोसिस में थी तब मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद में मैंने इस साल लास्ट ईयर अक्टूबर से अभी जनवरी तक ज्वाइन किया था। इसके अलावा मैंने कभी जिम ज्वाइन नहीं किया, मैं अपने होम वर्कआउट करती रहती हूँ, मैं अपनी डाइट बहुत अच्छी रखती हूँ, मैं अपनी डाइट फॉलो करती हूँ, मैं अपनी उसको नेचुरल वे में रखती हूँ, बहुत ही हेल्दी डाइट, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ, खुद करती हूँ, तो उसको रखना है आपको।
तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी रेसिपीज़ वगैरह भी सब ऐसे फुल वीडियो में अपना पूरा दिन का पूरा आपको मैं बताऊं कि मैं कौन कौन सी अल्टरनेटिव ड्रिंक्स पीती रहती हूँ, मैं बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट जो मेरे लिए मेरी बॉडी पे वर्क किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उन पे दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिनमें सिर्फ मैं अपनी मतलब पूरे डे का आपको बताऊं कि मैं सुबह से लेके रात तक क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ मैं, क्या अपना मंथली क्या मैंने एक्सपेरिमेंट किए, तो आप मुझे ये सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो आज के बारे में, तो आज के वीडियो में तो बस हम ये चिट चैट करेंगे। मैं सब कुछ क्या चल रहा है अभी मैं बता देती हूँ कि मैंने बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं किया है, मैं बहुत टाइम से कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा अभी माइंड मेंटली थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब टाइप्स चल रही हूँ, तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में, बट हाँ कुछ अच्छा ज़रूर होगा, जल्दी होगा। मैं आप सब तो मैंने अभी तक आपके साथ में सारी अच्छी अच्छी आदतें शेयर की, तो मैं अब अपनी कुछ बहुत ही बुरी आदतें बताती हूँ। मेरी सबसे बुरी आदत है कि जैसे मैंने कल रात को बहुत ही बाहर का खा लिया या अनहेल्दी खा लिया, तो मेरा वो लंबा चल जाता है, खिंच जाता है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे उसको बहुत कंट्रोल करना है। मुझे ये बिल्कुल आदत बिल्कुल सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं फिर 2-3-4 दिन तक ऐसा है कि फिर मैं ऐसे सोचती रहती हूँ कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं उसके बाद में कर लेंगे, खा लेते हैं, खा के क्या जाता है, तो ये मैं करती रहती हूँ। तो ये मुझे बहुत सुधारने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना सारा मतलब अभी जो चल रहा है मेरा लाइफस्टाइल, आपको क्या हेल्प करना है, अभी मैंने बहुत इस जर्नी में क्या क्या सीखा है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि आपको पूरा दिन का अपना कैसे रखना है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ में पार्ट 2 लेके आऊँगी। और मैं अपने साथ अब आपको जैसे जैसे मेरा चैनल बढ़ेगा, जैसे जैसे सब कुछ होगा, मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए, बट अभी थोड़ा धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज संडे था, तो आज मैं पहले और कुछ आपके साथ में बताना चाहती हूँ कि पहले ये वीडियो बन गया, अब मैं गई थी शॉपिंग करने। आज तो मैंने बहुत सारी कुर्तीज़ खरीदी है, क्योंकि पैंटालून में था 60% ऑफ, और मुझे इतनी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ सिर्फ 399 में मिली है, तो मैं बहुत सारी कुर्तियाँ लेके आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी कुर्तीज 399 की है। तो एक तो ये कुर्ती है, दिस इज सो प्रीटी, इतनी कंफर्टेबल है ना, ये सब मैंने ऑफिस वेयर के लिए खरीदी है, तो ये बहुत सुंदर है। एक तो मैंने ये लिया, ये सब 399 में है, और दिस कुर्ती इज वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इतना प्यारा इसका कलर देखो, और ये 399 की इतनी सुंदर लगी ना मेरे को। आप इसको छोटे मोटे ऑफिस के फंक्शन में या घर के फंक्शन में पहन सकते हो, लाइक सुंदर है ना ये कॉम्ब इसमें पड़ा, और मैं इसको पूरी दुनिया में ढूंढ के आ चुकी हूँ। उसके बाद में ये इस कुर्ती को जब मैंने ट्राई किया, मेरा इसको उतारने का मन नहीं किया कि मैं इसको चेंज करूं, मेरा ऐसा था भाई पैसे ले लो और ये दे दो, इतनी कंफर्टेबल, इतना प्यारा कपड़ा है समर्स के लिए, बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने ये कुर्ती ली, बहुत ही सुंदर थी ये, और ये सब आपके ऑफिस वेयर में इतनी अच्छी जाएगी, आप छोटे मोटे फंक्शंस में भी पहन सकते हो। एक ये कुर्ती कितनी सुंदर है, तो अगर आपके भी यहाँ पैंटालून है तो जरूर जाना वहाँ पे। और एक मैंने ये प्लाजो टाइप था, इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है ना, मेरी बॉडी पे ऐसे लग रहा था कि भाई मैं इसको पूरी जिंदगी भर पहन सकती हूँ, इतना अच्छा। और ये भी मेरे को 399 में पड़ा, तो मैंने ये पूरी शॉपिंग शायद 2400 में की है, तो मुझे तो मज़े आ गए। तो था शॉपिंग के बारे में, क्योंकि संडे था, आज मैं शॉपिंग करके आई थी, मैंने अपने पहले मैं जूडियो गई थी पर वहाँ मेरे को कुछ नहीं मिला, तो ये तो अपनी शॉपिंग हो गई। पर आप अपना जो हमारा ये मेन वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, मुझे कमेंट में सब बताना, और आप ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, मैं अपनी सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। अभी धीरे धीरे देखो होता है क्या, मैं वीडियोज अपने वर्कआउट वीडियोज जो मैंने अपना ये सारा खुद बॉडी पे खुद एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने सब होम वर्कआउट से किया है, तो मैं आपके साथ सारे अपने होम वर्कआउट शेयर करूंगी, सब कुछ बताऊंगी। बट आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलना, मुझे बहुत सारा प्यार देना। तो बाय बाय, वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा खाओ, अच्छा पियो और हेल्दी रहो। बाय बाय।